नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक नाथ पांडे फिर आया हूँ आपके समक्ष इस बार एक कहानी लेकर। उस कहानी का शीर्षक है पकौड़े वाली सरकार। जी, आपने सही सुना, पकौड़े वाली सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी पकौड़े वाली सरकार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट पेश हुआ, फिर ऐलान पर ऐलान, वादे पर वादे किए गए। सरकार के नेक इरादे पत्तों पर गिरे ओस के समान बिखर पड़े और दिन चढ़ते धा हो गए। आखिर सरकार भी तो हमारी ही है, हम जैसे होते हैं सरकार भी वैसी ही होती है। क्यों राजू, सही कहा ना? प्रश्न के छोर को राजू की ओर बढ़ाते हुए व्यंग भरी दृष्टि डालना न भूले श्रीवास्तव जी। पकौड़े के स्वाद में तल्लीन राजू के दांतों तले आंत तक जला देने वाली मिर्ची लगी, खोलते तेल की तरह भभक उठे। अरे भाई, कुछ तो और समय दो, सरकार नहीं है, अभी तो चलना भी शुरू नहीं किया, एक दिन में थोड़े ही अच्छे दिन आ जाएंगे। श्रीवास्तव जी पकौड़े खाते खाते पकौड़े वाले से कहा, भाई मुबारक हो, आपकी नौकरी लग गई। पकौड़े वाला असमंजस में था, उसे अब और कब नौकरी लगी यह सोच कर वह गुन रहा था कि कहीं श्रीवास्तव जी खाने से पहले चढ़ा ली है क्या। श्रीवास्तव जी सचमुच पकौड़े वाले के हाथ चूमकर गले लगाए और हाथ मिलाकर बोले, मुबारक हो, अब आप बेरोजगार नहीं रहे, सरकार ने यह घोषित कर दिया है, अब आपको भी GST देनी होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार एक और कहानी या कविता के साथ मुलाकात होगी।